नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। तक्षक नाग जो पाताल में निवास करने वाले 8 नागों में से एक माना जाता है, जो इतना जहरीला है कि इसके जहर की एक बूंद ही सैकड़ों लोगों की जान ले सकती है। ये सांपों की एक ऐसी प्रजाति है जो आसानी से देखने को नहीं मिलती, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक बहुत पुराना तक्षक नाग पकड़ा गया है, जिसकी उम्र लगभग 900 साल बताई जा रही है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। क्योंकि आमतौर पर विज्ञान और सांपों की जानकारी देने वाले बताते हैं कि दुनिया का कोई भी सांप ज्यादा से ज्यादा 45 साल तक ही जीवित रह सकता है, लेकिन वही भारतीय मिथकों के अनुसार कुछ सांपों की प्रजाति ऐसी भी होती है जो 500 सालों तक जीवित रहती है। लेकिन क्या ये संभव है, इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं करता है। लेकिन वही बात अगर हिंदू पुराणों की करें तो उसमें दी गई कथाओं के अनुसार तक्षक नाग की उम्र खासा ज्यादा होती है, यानी कि ये कई 100 साल जीते हैं। तक्षक नाग को लेकर पौराणिक कथाओं में क्या क्या खास बताया गया है, आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार पाताल के 8 नागों में एक नाग का नाम तक्षक था, जो कश्यप का पुत्र था। बताया जाता है कि राजा परीक्षित को इसी ने काटा था, जिसके चलते राजा परीक्षित के बेटे राजा जन्मेजय इस पर बहुत बिगड़ गए। उन्होंने ही पूरे संसार में सांपों का नाश करने के लिए सर्प यज्ञ आरंभ किया। बताते हैं कि तक्षक इससे डरकर इंद्र की शरण में चला गया। इस पर जन्मेजय ने अपने ऋषियों को आज्ञा दी कि इंद्र यदि तक्षक को ना छोड़े तो उन्हें भी मंत्रों के जरिए तक्षक के साथ खींचकर भस्म कर दिया जाए। ऋषियों के मंत्र पढ़ने पर तक्षक साथ इंद्र भी खींचने लगे, तब इंद्र ने डरकर तक्षक को छोड़ दिया। जब तक्षक खींचकर अग्निकुंड के समीप पहुंचा, तब उन्होंने जन्मेजय से प्रार्थना की और तक्षक के प्राण बच गए। इसके बाद इस प्रजाति के जो सांप हुए उन्हें तक्षक कहा जाने लगा। वहीं ग्रंथों के अनुसार तक्षक ही भगवान शिव के गले में लिपटा रहता है, जिसके रंग और आकार प्रकार में खास तरह के होते हैं और उसकी उम्र कई 100 साल हो सकती है। बताया जाता है कि सांपों में 4 साल के बाद विकास धीरे धीरे होता है, वो 1 साल में कुछ सेंटीमीटर ही बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो उम्र दराज होते हैं उनका रंग हल्का पड़ने लगता है। हालांकि जंगली सांपों की उम्र ज्यादा होती है, सामान्य मामलों में सांपों की उम्र 10 से 15 साल तक होती है, लेकिन कुछ सांप 25 साल तक भी जीते हैं। सबसे ज्यादा उम्र किंग कोबरा की मानी गई है, जो करीब 40 से 45 वर्ष है। हालांकि सपेरों का कहना है कि भारत में जंगलों में रहने वाले कुछ सांपों की उम्र काफी ज्यादा होती है, लेकिन सांपों को लेकर जो दावे वो करते हैं उसे सर्प विज्ञानी सही नहीं मानते। कुछ सपेरे अक्सर मूंछों वाले सांपों का भी प्रदर्शन करते हैं, जिसकी उम्र वो 100 साल के आसपास बताते हैं।